हेलो फ्रेंड्स, मैं मनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे क्रिसैंथेमम की कटिंग्स दिखाऊंगी, आपको उस पर बात करूंगी। और ये देखिए मेरा रोज़ प्लांट। रोज़ में देखिए ऐसे फ्लावर सस्पेंड हो जाए तो ऐसे इनको यहाँ से काट देना चाहिए। अब ये वाला, अब चलिए मैं इसको यहाँ तीनों को एक साथ काट देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ये कश्मीरी गुलाब है। ये थोड़ा सा लूज सा, मतलब पूरा बंधा हुआ गुलाब नहीं होता है, बहुत जल्दी झड़ता है, लेकिन ये खिलते बहुत ज़्यादा गुच्छों में। ये देखिए, रोज़ पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी, कई व्यूअर्स बोल रहे हैं। बस थोड़ा मेरा इंटरेस्ट रोज़ में थोड़ा सा कम है। कोई कोई चीज़ पौधा अपने को बहुत प्यारा होता है, कुछ नॉर्मल प्यारा होता है। कोई ऐसा पौधा नहीं है जो मुझे प्यारा नहीं हो, पर रोज़ में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट कम है। तो इस पर भी मैं अभी वीडियो जल्दी बना दूँगी, दिखाएं। ये देखिए, अब ये इतना बदमाश हो गया है कि ना अब अंदर से पैकेट चोरी कर दिया है बिस्किट का, और बाहर आके देखिए यहाँ पे खा रहा है। अब ये देखो बदमाश बहुत हो गया है, ये बड़ा होता जा रहा है ना। लियो लिक्की, अले मेला बेटा, लियो। तो चलिए अब इसकी कटिंग्स की बात करिए। देखिए, इस बार मैंने ये कटिंग्स यहाँ लगा दी हैं, गमलों में कम लगाई हैं। तो अब देखिए, ये जो पौधे हैं ना, इनके पास से ये दिखा, ये देखिए, ये नीचे से भी ये निकलना शुरू हो गए हैं, रनर्स से। ये देखिए, ये निकलने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे पौधे। तो अब ये थोड़े दिनों में पूरा भर जाएगा ये सारा। ये नीचे से देखिए, ये भी निकलेंगे और धीरे धीरे भर जाएगा। लेकिन अगर आप इनको काटना चाहते हैं तो ये काट भी सकते हैं छोटे वाले रनर्स को, ताकि आपके इसी प्लांट की जो है ग्रोथ ज़्यादा हो। लेकिन मैं तो देखिए कितने सारे हैं, और इनमें मैं अभी प्रूनिंग मतलब करे जा रही हूँ, पिंचिंग। ये देखिए ये वाला, तो पिंचिंग से ये शायद ये थोड़े सा लेट हो गए हैं, जैसे मैंने कहा मैं बीच में बीमार हो गई थी। तो लेकिन देखिए, अभी इनकी मैं पिंचिंग करे जा रही हूँ। अब छोटी छोटी कलियाँ भी आनी शुरू हो गई, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी पिंचिंग इनकी कर रही हूँ। देखिए, पहले यहाँ से की थी मैंने पिंचिंग, फिर ये वाली, इनको पिंचिंग करी हुई है। ये ब्रांचेस भी काटी हैं ताकि नीचे से और ये ग्रोथ करें, क्योंकि मैं लेट हो गई इसलिए, नहीं तो अगर मैं थोड़ा टाइम से इनको लगा देती तो ये और अच्छी तरह से फैल जाते, और इसलिए इस बार आपको ये मेरे कम फैले हुए दिखेंगे। तो मैं इनको बीच में केयर नहीं कर पाई मैं इनकी, इसीलिए मैं इनके नीचे वाले रनर्स को हटाऊंगी नहीं, ताकि वो नीचे से वो भी निकल आए तो पौधे घने हो जाएं। और अभी ब्रांचेस आने शुरू हो गई हैं, कलियां आनी शुरू हो गई हैं इनमें, लेकिन क्योंकि मैंने प्रूनिंग कर रखी है इसलिए नीचे वाली अलग से कलियां आ रही हैं। यहाँ और ब्रांचेस कोशिश करूँगी, जितना ये फैल जाए बस। अब और ज़्यादा मैं प्रूनिंग नहीं करूँगी, जितनी कर चुकी हूँ ठीक है। और दो तीन बार इनकी प्रूनिंग होनी ज़रूरी होती है, और मैं कर तो चुकी हूँ, पर इस बार थोड़े से मेरे घने कम रहेंगे। और ये देखिए, ये छोटी वाली कटिंग्स भी लगाई हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये भी लेट लगाई हैं, और इनकी भी प्रूनिंग करी हुई है। ये देखिए पिंचिंग, ये देखिए यहाँ से इनको पिंच किया हुआ है, और नीचे से और आके अगले 10 दिन तक इनमें जितनी ब्रांचिंग हो जाएगी तो घने थोड़े थोड़े हो जाएंगे। देखिए, इनमें भी लगा रखे हैं मैंने, एक एक गमले में एक एक ही पौधा लगाया, और सबकी पिंचिंग अभी चालू है। देखिए यहाँ से, और थोड़ी सी ब्रांचेज आके अब 10-15 दिन तक फिर इनमें छोड़ दूंगी, इनमें जब कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और मिट्टी इनकी रिच बनाई हुई है मैंने, बहुत, एक हिस्सा मिट्टी, एक डेढ़ हिस्सा खाद, और एक हिस्सा इसमें रिवर सैंड डाले आप। और ये सब छोटे छोटे अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। और इधर देखिए, ये डहेलिया के बल्ब्स यहाँ लगे हुए थे, और लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे आपको फ्लावर्स भी दिखाए थे। देखिए, ये बल्ब में से अपने आप ही एक बल्ब इसी में छोड़ दिया था हमने, तो ये देखिए प्लांट निकला। अब ये देखिए इसमें कितनी ब्रांचिंग है, तो मैं इसकी ऐसे जो है ना, ऐसे अभी इसकी कटिंग्स ले लूँगी मैं। ये देखिए, तो इसकी अभी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। और ये देखिए, यहाँ भी ये लगा रखे हैं, ये देखिए इनमें भी पिंचिंग करी हुई है। ये देखिए, और तो ये देखिए इनकी पिंचिंग है, और अभी थोड़ी सी ब्रांचिंग और होने देंगे, फिर इसमें
कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। और इनको जब तक कलियां नहीं आती हैं, मैंने अच्छी सी खाद में लगाया हुआ है, और एक बार मैंने उसके बाद और खाद दे दी है, मुट्ठी दो दो मुट्ठी, और लिक्विड खाद में हर 10 दिन में दे रही हूँ, और वो लिक्विड खाद में इसको देती रहूँगी जब तक इसकी कलियाँ आ जाएंगी, और कलियाँ आने के बाद जब फ्लावर खिलने शुरू हो जाएंगे तब तक हम उसको खाद को देते रहेंगे, और फ्लावर एक बार खिल जाएंगे फिर खाद देना बंद करेंगे। जब तक फूल खिलने शुरू हो जाएंगे तब तक हम इनमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। और देखिए इधर भी लगा रखे हैं, ये देखिए ये कुछ दिन बाद के कटिंग्स हैं, इनकी कटिंग्स इस बार मैंने ऐसे करी हैं कि थोड़े थोड़े दिनों के गैप पे लगाई हैं कटिंग्स, ताकि जैसे पिंचिंग क्या होती है, देखिए अब इसका ग्रोइंग पॉइंट यहाँ से मैं हटा दूंगी ये, ताकि इसके नीचे से 2 ब्रांचेस और आए इसका भी। तो इस बार मैंने ये कटिंग्स जो हैं वो थोड़े थोड़े दिनों के अंतर पे लगाई हैं, 15-20 दिनों के, ताकि जैसे पहले उनमें फ्लावर्स आ जाएंगे, जब उनमें फ्लावर्स आने लगेंगे तो थोड़े दिनों बाद इसमें फ्लावर आ जाएंगे, तो ऐसे थोड़े ज़्यादा दिनों तक। देखिए ये भी लगा रखा है, इस बार मैंने बहुत लगाई हैं इसकी कटिंग्स। और अभी देखिए ये फर्स्ट वाला आपको मैंने लॉट दिखा दिया था, उसकी बड़ी थी कटिंग्स, ये सेकंड वाला लॉट है, इसकी कटिंग्स की साइज़ थोड़ा मतलब प्लांट्स का छोटा है। और उसके बाद देखिए ये एक और थर्ड लॉट है, इसके जो पौधे हैं देखिए ये बहुत ही अभी कितने छोटे छोटे हैं, ये कटिंग्स लगाई हुई हैं, और इसके बाद अभी थोड़े दिनों में इनको भी गमलों में शिफ्ट कर देंगे, और ऐसे ही फिर ये बहुत दिनों लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। फिर गुलदाउदी के फ्लावर्स, ये देखिए एक कटिंग लगाई हुई है, कलांचो की कटिंग है, और ये भी अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स इस बार सब लोग कह रहे थे आपके क्रिसैंथेमम्स की कटिंग्स दिखाइए, तो ये देखिए ये मैंने शिफ्ट हो चुकी हैं, और क्यारियों में भी मैंने इस बार लगाई हैं, तो इनमें जब आप फ्लावर आएंगे तो मैं इस पर आपको वीडियो बना दूंगी, और इस पर केयर वीडियो मेरे लास्ट ईयर का बना हुआ है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं कि क्राइसैंथेमम पे हम इसकी कटिंग्स को कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे केयर करनी है पौधे को लगाने के बाद, और कौन सी खाद अच्छी होती है, बेस्ट फर्टिलाइज़र फॉर क्राइसैंथेमम्स पर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप सर्च करके देख लें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।